आज का जो वीडियो है आपकी सेफ्टी को लेकर है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आप अपने फेसबुक को डार्क मोड में कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जब आप फेसबुक चलाते हैं तो आपके फेसबुक चलाने से आपके आँख पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश और मेरे यूट्यूब चैनल स्पीक कूल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए देने करते वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यहाँ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके की नई वीडियो अपडेट आपको आसानी से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड देने करते वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, देन यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक लाइट। ठीक है, अगर आपके फ़ोन में ये ऑलरेडी मतलब पहले से इंस्टॉल है तो आप इसको सिंपली इसको अपडेट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मेरे फ़ोन में अपडेट के लिए आ रहा है, तो मैं सिंपली इसको अपडेट कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे अपडेट हो रहा है मेरा फेसबुक लाइट, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि मेरा फेसबुक अपडेट हो चुका है, देन हमको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, मैं सिंपली पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। देन देखेंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन होकर आ गया है। तो आपको करना क्या है, आपको फेसबुक के यहाँ पे राइट साइड में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एरो के माध्यम से। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है थ्री लाइन का, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन आप थोड़ा सा आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा डार्क मोड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डार्क मोड का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ जिसे आप इसको इनेबल करेंगे आपका जो फेसबुक अकाउंट है डार्क मोड में हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप अपने अगर आप आपका जो ये फेसबुक ये वाला फेसबुक है जो ओरिजिनल फेसबुक होता है, आप इसमें सर्च करोगे इसमें खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये आपको केवल फेसबुक लाइट में मिलेगा। तो आप कृपया करके फेसबुक लाइट ही यूज करें।